कोचिंग क्रिएशन चैनल के लिए सबको स्वागत है। अगर आप इस चैनल को नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने मुंबई छोड़ दी है। परमानेंटली मुंबई से हिमाचल प्रदेश का मनाली के लिए शिफ्ट हो गई है। देखेंगे इसका फुल डिटेल्स, वीडियो को एंड तक देखिए। कंगना रनौत ने हमेशा के लिए छोड़ दी मुंबई, जाते जाते बोली ये बड़ी बात। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की लड़ाई इन दिनों इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंगना ने इसे देखते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है। कंगना ने इस बार मुंबई छोड़ने का ही फैसला ले लिया है। जी हाँ, लंबे राजनीतिक घमासान के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई से अपने होम टाउन मनाली के लिए रवाना हो गई है। 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई आई थी तो उनके जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी। अब मनाली जाते जाते एक बार फिर से अभिनेत्री ने मुंबई शहर की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कर दी है। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर POK की बात को दोहराया है। मुंबई से रवाना होते हुए कंगना रनौत ने ट्विटर पर दो ट्वीट लिखे हैं। इन दोनों की ट्वीट में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर निशाना साधा है, साथ ही अपनी POK की बात को भी सही ठहराया है। कंगना रनौत ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, भारी मन के साथ मुंबई से जा रही हूँ। जिस तरह से मुझे इन दिनों लगातार हमलों से आतंकित किया गया और गलियां दी गई, मेरे ऑफिस के बाद घर को तोड़ने की कोशिश की गई, मेरे चारों और घातक हथियारों के साथ सतर्क सुरक्षा, कहना होगा कि POK वाली मेरी बात सही थी। कंगना रनौत ने कुछ पत्तियां लिखकर भी शिवसेना पर निशाना साधा। अभिनेत्री ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, एक महिला को डराकर उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत की ये दोनों ट्वीट तेजी से वायरल हो रहे हैं। अभिनेत्री के फैंस सहित तमाम सोशल मीडिया यूजर उनके ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद उस समय शुरू हुआ जब अभिनेत्री ने ट्विटर पर मुंबई शहर की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कर दी थी। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसकी चौतरफा आलोचना हुई थी। बीते दिनों BMC ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण का हवाला देकर तोड़फोड़ की थी, जिसे अभिनेत्री ने बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया था। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति और गर्मा गई थी। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ इस चैनल में डालता रहता हूँ। ये था अभी का न्यूज़। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, क्रिकेट का लेटेस्ट न्यूज़, फिल्म का लेटेस्ट न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।